कहानी सजग चिड़िया और आलसी कौवा। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक सजग चिड़िया और एक आलसी कौवा रहते थे। चिड़िया हर सुबह जल्दी उठती और अपने लिए भोजन जुटाने निकल जाती। वह अपने छोटे से घोंसले के पास की टहनियों और पेड़ों में से दाने इकट्ठा करती थी। दूसरी ओर कौवा हमेशा सोता रहता और कभी कभी उड़कर कहीं दूर जाकर कुछ खा लेता। एक दिन चिड़िया ने कौवा से कहा, तुम्हें भी अपने लिए भोजन जुटाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। कौवा ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी मेहनत करनी है और मैं आसानी से कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। फिर एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगीं और सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। चिड़िया ने तुरंत अपने घोंसले को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर लिया, लेकिन कौवा आराम से अपने पेड़ पर बैठा रहा और उसे तूफान की चिंता नहीं थी। तूफान के बाद जंगल में सब कुछ बिखर गया, दाने और भोजन चारों ओर बिखरे हुए थे। चिड़िया ने मेहनत से दाने इकट्ठा किए, लेकिन कौवा को भूख लगने लगी। उसने सोचा, मैंने तो मेहनत नहीं की, अब मुझे क्या करना चाहिए। कौवा जंगल में इधर उधर उड़ने लगा, लेकिन कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे याद आया कि चिड़िया ने दाने इकट्ठा किए थे। उसने चिड़िया के पास जाकर कहा, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो, मैंने मेहनत नहीं की और अब मुझे भूख लग रही है। चिड़िया ने कौवा की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। कौवा ने चिड़िया की सलाह मान ली, उसने भी मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लिए भोजन जुटाने लगा। शिक्षा, मेहनत और सजगता ही सफलता की कुंजी है। आलस्य हमेशा मुश्किलों में डाल सकता है,